नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पति राशि परिवर्तन मई 2024 आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। मिथुन लगन एवं मिथुन राशि वाले जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से 90% आपके फायदे में ही हैं चीजें, लेकिन किस किस विभाग में है पहले से इंफॉर्मेशन होगी तो बड़ा फायदा लिया जा सकता है। तो आज का हमारा मिथुन राशिफल 1 मई 2024 से 15 मई 2025 के बीच में जो जिस प्रकार का मूवमेंट होगा देवगुरु बृहस्पति के कारण, उस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ गए हैं, शुक्र की राशि में आ गए हैं। या तो बहुत सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो अपने शत्रु के घर में आ गए हैं। तो कई दृष्टिकोण से तो मामला डिस्टर्ब भी होगा भाई, आपके 12वें घर में हैं और शत्रु के घर में हैं, अनकंफर्ट सिचुएशन में 12वें स्थान में बृहस्पति हैं। तो अपव्यय, बिना मतलब के खर्चों की बाढ़ आ जाएगी और पैसा अगर हाथ से निकल जाता है आदमी के, और जब उसकी जरूरत होती है तो बीपी हाई बीपी लो, घबराहट टेंशन तनाव सब यही होता है। तो आप पूरा साल अपव्यय से 15 मई 2024 तक बिना मतलब के खर्चों से बचें, इनकम पर ध्यान दें, अपने घर में रहें और मेहनत से अपना काम करें। थोड़ी सी लापरवाही आपको गरीब बना सकती है। दूसरा, लंबी यात्राओं में बीमारी टेंशन तनाव चोरी हो जाना, और लंबी यात्रा व्यापारी की यात्रा है तो वहां पर असफलता के योग आपको देखने को मिलेंगे, और पैर में चोट से आपको बचाव रखना है। तो ये तो था जो बृहस्पति के दुष्परिणाम है 12वें स्थान में होने की। अब थोड़ी अच्छी चीजों पर बात कर लेते हैं। यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। आप भूमि खरीदना या बेचना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में फायदा होगा। आप बिल्डर हैं या मकान बनाने बेचने का आपका काम है, इस तरह का कोई भी काम आपका है तो आपको फायदा होगा। माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा ही होगा। अब छठे भाव पर दृष्टि है, वृश्चिक राशि पर। तो यहां से क्या होगा, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं बिजनेस व्यापार के लिए तो आपको मिल जाएगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और दीर्घ समय से लंबे समय से चली आ रही जो बीमारी है उसकी शांति के भी योग बनेंगे। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो एक तो यदि आप गंभीर साधना में हैं, गुप्त विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुप्त विद्याओं की प्राप्ति का योग संयोग बनेगा। दो प्रकार की विद्या संसार में है, परा और अपरा। तो जो अपरा विद्या है और जो परा विद्या है, गूढ़तम रहस्यों की जानकारी का आपके जीवन में जो है यहां पर योग बनेगा। पूरे 12 महीने 15 दिन तक का योग है। और गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा, ससुराल से मिल जाए, माता पिता से मिल जाए, या आप अपने टैलेंट से कमा लो, लेकिन आकस्मिक धन प्राप्ति का योग यहां पर मिलेगा। और रोग में लंबे समय से चली आ रही कोई पीड़ा है उसमें शांति का योग बनेगा। तो ये चार पांच जो विभाग हैं, चार पांच जो डिपार्टमेंट है जो मैंने आपसे बताए, इनमें तो बढ़िया से बढ़िया आपके जीवन में होगा। और बाकी भाई, बिना मतलब के खर्चे अपव्यय अगर आपने इस साल में कर दिया तो माथा पकड़ करके बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर मांगो भीख रिश्तेदारों से, या भीख मांगो अपने परिजन पुरजन आसपास के लोगों से,
उससे बेहतर है कि अपने पैसे को सेव करो। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।